वहाँ का पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन की क्या क्या वहाँ देखने को, कौन कौन से मंदिर जाने चाहिए, पूरा हम एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। हम आ चुके हैं मथुरा, मथुरा पहुँच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं होटल पे, पहले चेक इन करेंगे उसके बाद फिर हम टेम्पल आएंगे। हेलो गाइस, हम आए हैं कृष्णचंद भूमि और यहाँ मोबाइल लेना अलाउ नहीं है गाइस, इसलिए हम आपको अंदर का व्यू दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ जो होता है मोबाइल पर्स वगैरह सब कुछ, तो हम जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए। कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही बड़ा मंदिर है और इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। हमने उस स्थान को भी देखा जहां पर देवकी जी और वासुदेव जी को जिस कारागार में रखा हुआ था, उसी कारागार में कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुई थी। जन्मभूमि के बाद गोवर्धन पर्वत के लिए आए हुए हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा हम ई रिक्शा से कर रहे हैं, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। मेरे पास बेबी है, बेबी लेकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना पैदल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ई रिक्शा किया हुआ है। आप चाहे तो पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा की बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति को इच्छानुसार फल मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। ऐसा भी मान्यता है कि जो इच्छा मन में रखकर इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है वह इच्छा ज़रूर पूरी की होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा न कर सके उन लोगों को भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं। इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर आते हैं, जिसमें से 5 मुख्य मंदिर हैं जो हमने दर्शन किए, जिसमें से पहला मंदिर है पुछरी कलौटा। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत पर जब गोप गोपियाँ नाच रहे थे तभी एक मोटा तगड़ा गोप गिर गया और एक सखी ने पीछे से पुछरी कलौटा कहा, मतलब कौन लुढ़क गया, इसलिए इसका नाम पुछरी कलौटा पड़ गया। बेगरा रही है चलाने के लिए। दूध है? हाँ, हाथ धो लो। कैसे दें? 10 रुपए का। अब दूसरे नंबर पर ये गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है और कहा जाता है कि 5 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था और अब 30 मीटर ही रह गया। बोलते हैं कि पुलत्स्य ऋषि के साप के कारण यह पर्वत रोज कम होते जा रहा है। Thank you.
आप देख रहे हैं इस गोल्डन पर्वत पर सभी लोग दूध चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की कैसी मान्यता है, लोग लेट कर भी परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ राधा जी स्नान की थी, रासलीला रचाई थी कृष्ण जी के साथ, तो वही कुंड देखने के लिए जा रहे हैं। राधा रानी आपका मैंने सबका पूजा करे बेटा, मेरा भाई के बेटा शाम को आपका नमो माधवाय, नमो नारायणाय, नमो नमः राया निरोगी आनंद मंगल सुख शांति समृद्धि गोविंद भक्ति श्री राधा भक्ति श्याम भक्ति श्री राधा पुनः श्याम पूज श्री पूजन श्री महापूजन श्री दीपदान शिवा श्री गिरिराज महाराज आपके श्री चरणों में श्री धाम में राधा कुंड में श्याम कुंड में भक्ति भाव से आपका मानसिक पूजन करें, हमारे मानसिक पूजन को स्वीकार करें। हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय आगे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः राधा कृष्ण कलिंगलाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाके हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ प्रभु ये राधा कुंड है, पीले वाले मंदिर के उस तरफ है श्याम कुंड है, दोनों का जल मिला हुआ है। ये पीला वाला मंदिर देख रहे हो उसके साइड में कृष्ण कुंड बोलते हैं उसको, ये राधा कुंड है, नीचे से दोनों का जल मिला हुआ है। दोनों ही कुंड 90-90 फीट गहरे कुंड है। जो राधा जी ने बनाया था कंगन कुंड, इसका नाम एक कंगन कुंड भी है, वो राधा जी ने बनाया था उसके, वो 90 फीट गहरा नीचे में वो कुंड है, चूड़ी से बनाया था ठाकुर जी ने राधा जी ने, और ठाकुर जी ने बनाया मुरली से, उसका नाम बजना कुंड है, उसको कृष्ण कुंड कहते हैं, बजना कुंड भी कहते हैं, उसको राधा कुंड कहते हैं और कंगन कुंड भी कहते हैं। विशेषकर ठाकुर जी ने यहाँ पर कंस के राक्षस का वध किया है, अष्टासुर नामन राक्षस का, जो कि बछड़े के रूप में ठाकुर जी से उसका प्राण द्वारा हो गया था, खत्म हो गया था, तो उसी का पाप मोचन के लिए राधा जी ने स्वयं कृष्ण जी ने अपने दिव्य स्वरूप से सभी तीर्थों को या अंजलियों सभी तीर्थों को या बुलाया है, सभी तीर्थों अंजलियों में जल ले कर आए, ठाकुर जी को पाप से मुक्त किया है। तब से ये मान्यता है जो माता बहनें अपने जिन माता बहनों पर लड़की लड़की हो, लड़का ना हो, पुत्र ना हो, संतान ना हो, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए उसी इसी कुंड में ये फल छोड़ा जाता है, जो 20,000 फल होना चाहिए, 25 साल के लिए उसको त्याग करते हैं, फलस्वरूप मातेश्वरी यहाँ से पुत्र का दास देती है, पुत्र का दान देती है। दिव्य कुंड है, ठाकुर जी की बनाई हुई कुंड है, 5,500 साल पुराने तीर्थ है, ठाकुर जी के जमाने की कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड, सुंदर महिमा है। ओम चंद्रमा मनसो याद चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रादवायश प्राणश मुखाद अग्निर्जायतः दीपज्योति ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन भोदीप्येताभ्यो नमो नमः क्रमशाक्षेभ्यो नमो नमः। और यहाँ जो बोलते हैं वो 100% सत्य हो जाता है। जो
मंगलम प्रोरी मंगलायस्तम हरि नानाशुभं पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तः गृणां परमेश्वरिः श्रीकाक्षो मंगलायस्तम हरि ये क्या रेट है इसका? क्या 80 रुपये? 80 रुपये छोटा बड़ा पराठा। अभी भक्तगण मंदिर के अंदर आए और मंदिर की दुकानों से धूप नारियल फूल दीपक लेकर आए गोबर। ये बस स्टॉप है वृंदावन बस स्टॉप। बस 5 मिनट में बस 7 नंबर की बस आने वाली है। 7 नंबर की बस ही वृंदावन जाती है डायरेक्ट। चाय की टफरी है, यहाँ से आप चाय पी सकते हैं या कुछ चिप्स वगैरह बिस्किट ले सकते हैं जब तक बस नहीं आ जाती। होटल आ गए, होटल में हमने चेक इन कर लिया। ये नारायण होटल है, नियर प्रेम मंदिर के 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम अपना रूम दिखाते हैं आपको, चलिए। गाइस आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा पहले से अगर वृंदावन जाने का प्लान हो तो, क्योंकि होटल मिलना बहुत मुश्किल है, होटल मिलता नहीं है जल्दी इजली से। तो फ्रेंड्स हमारा रूम कैसा लगा आप बताइए। होटल का प्राइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस होटल से मंदिर, मंदिर से होटल आने में कितना एक्सपेंस हुआ और होटल का चार्जेस, फूड, सबसे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस हुआ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये।